सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमडी टेक। चैनल में फिर से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं पर्पस के अपडेट लिखे लिए। सो फिर से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। सो गाइस देखिए, जो सीएसएफ कांस्टेबल से रिक्वायरमेंट आया हुआ है, हाल ही में अपडेट्स आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी का भी है आप लोगों के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए है। और सो गाइस देखिए, यहाँ पे ट्रेडमेंट का जो वैकेंसी भी दिया हुआ है आप लोग देखिए, यहाँ पे सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन 787 वैकेंसी है। तो इसमें आप लोगों को जाने के लिए कोशिश करूँगा और मैं क्या कुछ है इसमें आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। और कब से अप्लाई स्टार्ट होगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, नोटिफिकेशन क्या है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइस देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आया हुआ है जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, जो सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट का है, 787 वैकेंसी है। तो इसमें जो क्या कुछ है मैं आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए दिखा देता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे जो लास्ट डेट है आप लोगों के लिए 2022, यानी कि इसी साल का 2012 तक आप लोगों का इस वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो मेल फीमेल वैकेंसी है सब कुछ यहाँ पे एलिजिबल है। और गाइस देखिए, कुक का भी है, कबलर का भी है, ट्रेलर है, बर्बर है, वॉशरमैन है। यहाँ पे देखिए, मेल का जो है वैकेंसी आप लोगों को अच्छे से दिया हुआ है और फीमेल का भी अच्छे से दिया हुआ है, ट्रेडमेंट का भी आप लोगों को दिया हुआ है और सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे गाइस देखिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करते देखिए, एज लिमिट भी दिया हुआ है 18 से 23 तक दिया हुआ है। एंड गाइस एसएससी के लिए भी और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं एसएससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 ईयर्स दिया हुआ है। और जो गाइस देखिए, आप लोग का सैलरी भी अच्छी खासी दिया हुआ है, 21,700 स्टार्ट है और 69,100 रुपीज़ तक आप लोग का एंडिंग, जब तक मतलब आप लोग रिटायर होंगे तो उसी का समय का जो लास्ट आप लोग का तब तक आएगा। और जो गाइस देखिए, एप्लीकेशन फी भी दिया हुआ है 100 रुपीज़ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, एमओबीसी के लिए। एंड गाइस जो एससी एसटी है उन लोगों के लिए कोई भी फ़ी नहीं देना होगा, वोमेन कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन का भी कोई भी फ़ी देना नहीं है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का भी, आप लोगों का कोई भी बोर्ड्स का हो, आप किसी भी स्टेट का हो, सब कोई आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गाइस देखिए, आप जिस जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा से जो सर्टिफिकेट भी दिया गया हुआ है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पे जो आप लोग का जो फिजिकल पीटी होने वाला है उसका भी जो टाइम एंड रनिंग जो दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर रेस है। और आप लोगों को मेल कैंडिडेट को आप लोगों को दिया जाएगा 6 मिनट्स 30 सेकेंड। एंड गाइस जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर है एंड उन लोगों के लिए 4 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। एंड गाइस जो आप लोग का मेल का हाइट्स आप लोगों का दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट्स के 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए आप लोग 80 to 85। सो गाइस देखिए, फीमेल का आप लोग का जो हाइट है ऑल कैंडिडेट्स के लिए 157। और जो गाइस देखिए, एसटी जो है आप लोग के लिए उनका छूट दिया हुआ है 162.5 सेंटीमीटर। एंड गाइस चेस उन लोगों को छूट दिया हुआ है 67.81। एंड गाइस देखिए, आप लोग के लिए जो फीमेल का जो एसटी है उन लोगों के लिए छूट दिया हुआ है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो हाइट रिलेक्शन चाहिए उन लोगों के देखिए, गोरखास दिया हुआ है, कमाऊ दिया हुआ है और जो गोरखाली से, उसके बाद डोगरा से, मराठा से। एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उन लोगों के लिए हाइट रिलेक्शन दिया हुआ है। सो गाइस मैं वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रिलेक्शन है ऐसे स्टेट के लिए जो जो मैंने अभी थोड़ी पहले बोला है उन स्टेट के लिए हाइट रिलेक्शन दिया हुआ है। सो गाइस देखिए, नीचे की तरफ देखिए फीमेल का भी दिया हुआ है। एंड गाइस देखिए, मैं नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले आप लोगों का जो पी एस टी एंड पी टी होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन देखिए गाइस, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है 21/11/2022। एंड जो मैं थोड़ा पहले बोला था कि लास्ट डेट आप लोग का 2012, यानी कि दिसंबर लास्ट तक आप लोग का अप्लाई
शुरू हो जाएगा। सो गाइस में आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। जो उसका नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस देखिए मैं यहाँ पे उसका जो नोटिफिकेशन है मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं उसको आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। मैं थोड़ी देर जो जो कुछ बोला हुआ था यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट सब कुछ दिया हुआ है और जो आप लोगों का जो फी है जो सैलरी है सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छी तरह से सब कुछ दिया हुआ है। एंड गाइस थोड़ी देर में जो पहले आप लोगों को पोस्ट भी बोला था वो कुछ सब कुछ भी दिया हुआ है। सो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए एंड स्टार्ट कीजिए और एंड अच्छी तरह से आप लोग अप्लाई कीजिए। सो गाइस मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला था जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है सेसेप की तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।